एसएसपी साउथ और एसएचओ सदर और एक और जा रहे हैं, पांच की हमारी पिटीशन है जिसकी 16 तारीख है। 2018 के अंदर एक डॉन अखबार में इस फ्रॉड के बारे में एक अखबार में शाया हुई थी खबर, जिस पर अमीर मुस्लिम हानी साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक नोटिस दिया था और इस काम को बंद करा दिया था और उन्होंने कहा था कि इस रोड को खोला जाए, लेकिन वो रोड ना खोला गया। आज दिन तक उनकी बात भी नहीं मानी गई और अब दोबारा इन्होंने एक वेकेशन के नाम से और प्रोजेक्ट बना के इन्होंने पौधे लगा दिए और दूसरी तीसरी चीज़ें लगा दी, ये बना रहे वो बना रहे हैं। ये एक हमारे साथ एक साजिश है और हमारे एक माशी करता है। दिलावर भाई एक ग्रामीण डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर अमजद इकबाल भट्टी साहब हैं, जी जी अहमद साहब हैं, डॉक्टर शान नज़ीर साहब हैं जो मीडिया में सुबह बाकायदा वो राज करते हैं, तो उनका कारोबार भी ज़ीरो हो गया है। वो इस वक्त कैंप में है नहीं, अभी चले गए तकरीबन आधा पौना घंटा पहले इस कैंप में मौजूद थे, लेकिन वो अपने आप को जगाने पर तैयार हैं। अपने आप पर मीर करम अली तालपुर रोड पर जो ये फूड तजीन और राइश के नाम पर जो फूड स्ट्रीट बनाई गई है, जहाँ से ताजिर इस वक्त इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं और उनकी फाका कशी की ज़िंदगी पर वो गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। और आप देख सकते हैं, मेरा हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये वीडियो में आपको नज़र आएगा कि अब अंदर गाड़ियां तक नहीं आ सकती हैं, तो जब अंदर ट्रैफिक नहीं आएगा तो यहाँ का ताजिर तो बिल्कुल बदहाल हो जाएगा। और इस महंगाई के तूफान के महंगाई का जो इस वक्त चल रहा तूफान, उसके अंदर इस तरह की बेरोज़गारी और कस्टमर यहाँ नहीं आएगा तो वो बड़े मुश्किल का शिकार है। और यहाँ के मीर करम अली तालपुर रोड के ताजिर इत्तेहाद एक यूनियन बनी बनाई गई है, उसके सदर मेरे साथ है दिलावर खान साहब, तो हम उनसे इस सारी सूरत हाल को जानते हैं कि आए इस पे इनका क्या मौकफ है। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। इस वक्त जो यहाँ सूरत हाल है इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? सर इस वक्त तो ये 3 साल से जो हमारी सूरत हाल है वो हम जानते हैं, जिस अजियत का शिकार हम हैं, यहाँ सारे दुकानदार जितने ताजर हजरात हैं वो इतनी परेशानी में और इस रसा कशी में है कि वो अपने आप को जलाने पे तैयार हैं, अपने आप को लुटाने पे तैयार हैं। यहाँ तक के ये अभी रिसेंटली 5 दिन पहले ये गेट बंद किए हुए थे, यहाँ से प्यादा इंसान भी अंदर नहीं जा सकता, और ये हमने उस दिन थोड़ा सा एहतजाज किया और ये गेट हमने खुलवाए। हमारा इस वक्त हुकूमत से और हुकूमत सिंध से ये गुजारिश है और एडमिनिस्ट्रेटर साहब से भी ये गुजारिश है और भी जितने इदारे हैं उनसे यही गुजारिश है कि इस रोड को अपनी पुरानी शक्ल में बहाल किया जाए और इन दुकानदारों का माशी कत्लेआम बंद किया जाए। पास असिस्टेंट कमिश्नर साहब अब्दुल मनान मिट्टू साहब आए थे, डिप्टी कमिश्नर साहब आए थे, मुर्तज़ा आप साहब भी उस दिन आए थे, हमारे मैं खुद मौजूद नहीं था, मेरे दुकानदार लोग मौजूद थे सारे, उन्होंने उनसे बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि यार ये गैर कानूनी है और ये एक कह लें कि चाइना कटिंग के हिसाब से इसका कोई कानूनी हक नहीं है। ये 65 फिट रोड है और ये मीर करम अली तालपुर रोड अरसों से चलता हुआ आ रहा है, यहाँ कम से कम 20 से 25 बस स्टाफ थे, यहाँ पर लोगों के लोग थे, लेकिन इस वक्त ये हालत है कि किसी दुकान में कोई ग्राहक नहीं है। अगर एक दुकान पर 15 मुलाजमीन थे तो एक मुलाजमीन है और उसकी भी तनख्वाह निकालना बहुत मुश्किल है। इस वक्त जो असियत का शिकार हम हो रहे हैं, हमारा प्रोग्राम है कल हम प्रेस क्लब पर भी जाकर एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराएंगे और मीडिया से भी हमारी गुजारिश है, और मीडिया आप आएँ, आपके तशद्दुद से हमारी ऊपर अकाम बाला तक हमारी आवाज़ पहुँचाई जाए, और हमारे सीएम साहब सिंध जो हैं मुराद अली शाह साहब, उनसे भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इस रोड को बहाल किया जाए और हमारा माशी कत्लेआम बंद किया जाए। इस वक्त जहाँ मुल्क महंगाई और बेरोजगारी के तूफान का सामना है लोगों को, ऐसी कंडीशन के अंदर इस रोड को जो कि माजी के अंदर मुख्तलिफ बस यहाँ गुजरती थी और बंद कर दिया गया इसको तजीन और आराइश के नाम पर, आज यहाँ पर मेरे साथ मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि बेशुमार लोग खड़े हुए हैं और सबकी यही आवाज़ है कि इस रोड को खोला जाए।